नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाइपर में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, यानी अगर आप नाइपर में एडमिशन लेना चाहेंगे तो क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने का। अगर आपको नहीं मालूम है कि नाइपर क्या है और नाइपर में किस चीज़ के लिए एडमिशन लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ, नाइपर एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट के द्वारा है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। इसमें आपको मास्टर डिग्री मिलता है, जैसे एम फार्मा, फार्मा डी, PhD, MBA इन फार्मा और भी UTC वगैरह तो वगैरह। फ्रेंड्स, अगर आप नाइपर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नाइपर में एडमिशन लेने का प्रोसेस है फ्रेंड्स कि आपको बी फार्मा ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आप बी फार्मा जो 4 साल का कोर्स है, यानी आपका बी फार्मा पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद एक एग्जाम होता है। डायरेक्ट बी फार्मा के बाद आप नाइपर में नहीं जा सकते हैं, नाइपर का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके बाद एक एग्जाम होता है जिसे कहा जाता है GPAT, यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहा जाता है, उसे आपको क्रैक करना होगा, उसे देना होगा। उसके बाद आप इलिजिबल होंगे नाइपर के एग्जाम में बैठने के लिए। नाइपर जो है वो एवरी ईयर, हर साल, प्रत्येक साल अपना एंट्रेंस एग्जाम निकालता है नेशनल लेवल पर, और उसे दे करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन आपको सबसे पहले बी फार्मा कंप्लीट करना होगा। बी फार्मा के बाद आपको जीपैट भी एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, उसको आपको क्रैक करना होगा। बहुत हार्ड एग्जाम होता है जीपैट, और जीपैट से भी हार्ड होता है नाइपर। तो जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पास करना होगा, क्रैक करना होगा। अगर आप क्रैक कर जाते हैं, कट ऑफ आपका जो भी जनरल वाइज, मतलब जो भी कास्ट वाइज आपका कट ऑफ से ऊपर आपका मार्क आता है, तो आप उसमें क्वालिफाई करते हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो नाइपर का एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आप नाइपर का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है एम मास्टर डिग्री कोर्स करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, टोटल मिला के नाइपर के 7 इंस्टीट्यूट है इंडिया में, केवल 7 इंस्टीट्यूट ही है इंडिया में नाइपर के। तो फ्रेंड्स, आपने ये जाना कि नाइपर में एडमिशन लेने के लिए क्या होगा। नाइपर में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है उसे देना होगा। लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। आपको बी फार्मा पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, बी फार्मा या BSc आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप जीपैट का एग्जाम होता है, जीपैट क्रैक कीजिएगा, उसके बाद आप नाइपर कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद डायरेक्ट नाइपर का एग्जाम नहीं देख सकते हैं, बल्कि आप बी फार्मा के बाद जीपैट का एग्जाम होता है, वो भी नेशनल लेवल का एग्जाम है, उसे क्रैक करें, उसके बाद आप इलिजिबल होइएगा नाइपर का एग्जाम देने के लिए। नाइपर का एग्जाम जैसे आप क्रैक क्रैक करते हैं, उसके बाद आप एम फार्मा, फार्मा डी, PhD करने के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, यानी 200 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और एक क्वेश्चन, एक सही आंसर का आपको एक मार्क दिया जाता है, और इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप गलत आंसर देते हैं तब आप निगेटिव मार्किंग भी आप में लगेगा। अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को मत टच कीजिए, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं मालूम है फिर भी आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग भी मिलेगा, यानी जो आप बनाइएगा उसमें आपको निगेटिव मार्किंग मिल जाएगा भाई, यही होता है। उसके बाद आपको इसमें 2 आवर का समय मिलता है, यानी 2 घंटे का समय मिलता है, 200 क्वेश्चंस, 2 घंटा ऑनलाइन एग्जाम। यानी हम प्रत्येक क्वेश्चन को कैलकुलेट करें टाइम से, तो 36 सेकेंड मिलेगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 36 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा, 200 क्वेश्चन है, 2 घंटा टाइम है, यानी 36 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा। नहीं बनाते हैं तो भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंचने के लिए आपको पहले बहुत मेहनत करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर से जरूर आपको दूंगा आंसर। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि जैसे मैं भी फार्मेसी कर रहा हूँ, तो अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके, बाय। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें, प्लीज। ओके, बाय। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू।